से मुझे छठ घाटों पे जाने से रोका गया। ये वीडियो हम अपने लिए नहीं बनाते, आप सभी के लिए बनाते हैं। हम सुबह का अर्घ दिखाएंगे, चाहे वो किसी भी घाट पे पटना का, जाएंगे जरूर और दिखाएंगे जरूर। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। सो गाइज, स्वागत है आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में। सो गाइज, छठ चैती हो या कार्तिक, उत्साह उतना ही रहता है। पिछले वीडियो में आप लोगों को पटना का दीघा गंगा घाट का छठ पूजा दिखाए थे और इस वीडियो में आप लोगों को एनआरटी घाट का छठ पूजा दिखाने वाले हैं। सो चलते हैं एनआरटी घाट पे। आज है सुबह का अर्घ, यानी कि उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं एनआरटी घाट पे, फिर आप लोगों को एनआरटी घाट का छठ पूजा दिखाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइज। तो जल्दी से तैयार होकर निकल चुके हैं घाटों की ओर। सबसे पहले चलेंगे घाट पर, क्योंकि पिछले वीडियो में घाट पर लेट जाने की वजह से हम काफ़ी कुछ को कवर नहीं कर पाए। इस बार हम जो जल्दी से जा रहे हैं घाट पर और काफ़ी कुछ कोशिश करेंगे कवर करके आप लोगों को दिखाने के लिए। सबसे पहले चलते हैं घाटों पर, फिर हम आप लोगों को दिखाएंगे पूरा घाट। गाइस, तो अभी हम आप लोगों को बिहार के पुलिस का कारनामा दिखा रहे हैं। कभी ऐसा ना आप सुने होंगे, आना कभी ऐसा देखे होंगे, कभी किसी को छठ घाट पे जाने से रोका गया, ऐसा कभी आप लोग नहीं सुने होंगे, लेकिन ये सच है। मुझे छठ घाटों पे जाने से रोका गया, वो पता नहीं वजह क्या था इसका, मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे छठ घाटों पे जाने से रोक दिया गया। और मुझे ही नहीं बल्कि काफ़ी लोगों को छठ घाटों पे जाने से रोका गया। एनआरटी घाट पे हम नहीं जा पाए, दिखाते हैं वीडियो के माध्यम से, आप लोगों को पता चल जाएगा कि मुझे छठ घाटों पे जाने के लिए रोका गया। अगर किसी गाड़ी से रहते, कार से रहते, बाइक से रहते, तब अगर रोका जाता तो मानते, बट पैदल है। और देख सकते हैं गाइस, हम पूरे तरीके से छठ महापर्व का टी शर्ट पहने हुए हैं और एकदम आप लोगों के लिए, एक हमसे जुड़े काफ़ी लोग हैं, हम सभी के लिए। ये वीडियो हम अपने लिए नहीं बनाते, आप सभी के लिए बनाते हैं। हमसे लाखों लोगों को घर बैठे महापर्व छठ पूजा का दर्शन होता, लेकिन ऐसा हम प्रशासन से बात भी किए, बोले सर कि हम इस तरह का काम करते हैं, लेकिन फिर भी मुझे अंदर नहीं दिया गया जाने के लिए। ना कभी बिहार में ऐसा कभी सुने थे और ना कभी देखे थे, यहाँ पटना में इस तरह का ऐसा हाल मेरे साथ हुआ कि छठ घाटों पे जाने के लिए रोक दिया गया। बहुत दुख हुआ इस चीज़ के लिए, लेकिन कोई बात नहीं गाइस, हम दूसरे घाटों पे जाएंगे और आप लोगों से जो वादा किए हैं सुबह का अर्घ दिखाएंगे, चाहे वो किसी भी घाट पे पटना का, जाएंगे जरूर और दिखाएंगे जरूर। सो वीडियो में आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। बिहार पुलिस का क्या कारनामा किया है मेरे साथ, आप लोगों को दिखाते हैं वीडियो के माध्यम से। मुझे एनआईटी घाट पे जाने से रोक दिया गया, लेकिन कोई बात नहीं गाइज, अभी हम पहुंच चुके हैं पटना का कलेक्ट्रियर घाट पे। जी हाँ गाइज, पटना का कलेक्ट्रियर घाट पे पहुंच चुके हैं और इस घाट का आप लोगों को छठ महापर्व दिखाने वाले। घाट कोई भी हो, छठ जो पर्व है वो एक ही रीति रिवाज से हर एक घाट पे होता है। घाट कौन सा घाट पे दिखा रहे हैं ये मायने नहीं रखता, घाट बस आप लोगों को ये देखना है कि छठ पूजा किस तरह से होता है। हर एक जगह, हर एक घाटों पर बस फ़र्क इतना ही था कि वहाँ पे कुछ अधिक संख्या में लोग जुटते हैं और काफ़ी खूबसूरत तरीके से उसे सजाया गया, और यहाँ पे थोड़ा उसे कम होगा, बट कोई बात नहीं। ये भी घाट बहुत ही खूबसूरत है, मानो तो देव नहीं तो पत्थर वाला बात है गाइस, घाट घाट होता है। तो इस ब्लॉग में आप लोगों को पटना का कलेक्ट्रियर घाट का छठ पूजा दिखाने वाले हैं। वीडियो में आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, एक एक मोमेंट को शूट करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। रास्ता देख सकते हैं गाइस, बहुत ही अच्छा व्यवस्था किया गया इस घाट पे भी, लाइटिंग का काफ़ी खास व्यवस्था किया गया और घाट तो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग ही रहा गाइस। लाइटिंग में कहीं 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 भी कोई कमी नहीं है। तो चलते हैं पहले मैन घाट पे और फिर हम आप लोगों को यहाँ का महापर्व छठ पूजा, चैती छठ पूजा दिखाने वाले। तो अभी हमें छठ घाटों के रास्ते में, अभी हम जा रहे हैं छठ घाटों पे और छठ घाट पे जाने में भी एक अलग ही सुकून है। जैसे कि काफी लोगों के माथे पे आप लोगों को सजा हुआ डाला लेके जाते हुए छठ घाटे की ओर नजर आएगा और काफी लोग
दंड देते हुए भी जाते हैं तो एक रास्ते में भी एक अलग ही सुकून है, वो सुकून हम आप लोगों को दिखाते हैं। बिहारी है तो भैया आप लोगों को पता ही होगा कि छठ पूजा का वो सुकून। अभी हम है बिहार के रेगिस्तान में। जी हाँ गाइस, अभी हम राजस्थान के रेगिस्तान नहीं बल्कि अपने बिहार के पटना के रेगिस्तान में। यहाँ पे आप लोगों को एकदम रेगिस्तान वाला बालू देखने को मिलेगा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा इस घाटों पे आकर, क्योंकि NIT घाट और दीघा घाट से काफ़ी खास व्यवस्था और काफ़ी अच्छा व्यवस्था किया, लाइटिंग से लेकर स्पेस की बात करें तो बहुत ही अच्छा। अच्छा हुआ जो उस घाटों पर नहीं गए, इस घाटों पर आने का मुझे किसी तरह से मौका मिल गया और आप लोगों को इस घाट की वो खूबसूरती दिखाएंगे जिसकी आप लोगों को उम्मीद नहीं होगा। बहुत ही अच्छा घाटों पर यह व्यवस्था किया गया, लाइट से लेके सभी कुछ होगा और बहुत ही बड़ा स्पेस में ये घाट है। हालांकि प्रशासन भी काफ़ी है यहाँ पे और पानी के बीच में भी बांस लगा हुआ है कि उतना ही दूर में आप लोगों को अर्घ देना है, ज़्यादा दूर नहीं जाना है क्योंकि पानी काफ़ी ज़्यादा है। और नीचे से आप लोगों को दिखा रहे हैं ये रेगिस्तान वाला बालू, इस रास्ते से होते हुए आप लोगों को घाटों की ओर जाने में वो मज़ा है भाई, बता नहीं सकते। बहुत ही अच्छा लगा इस घाटों पर आगे। तो अभी हम इस घाट के बीच नदी में और इस नदी के अंदर आने के बाद काफी अच्छा लग रहा है आप लोगों को। यहाँ पे ज्यादा अच्छा इस वजह से लग रहा होगा क्योंकि एक साइड से काफी सारा घाट है, इसी वजह से यहाँ पे और घाटे से ज्यादा अच्छा लग रहा होगा क्योंकि एक साथ में चार पांच घाटे हैं, इससे ज्यादा अच्छा लग रहा है इस घाटों के बीच में आने के बाद। वो महसूस कर रहे हैं कि मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, हालांकि लाइट अभी बहुत कम है। लाइट आने के बाद आप लोगों को यहाँ पे एक साइड से जो भी डाला सजेगा वो डाला दिखाएंगे, फिर अर्घ देने का बस देंगे। आज है उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा तो वो अर्घ भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। फिलहाल हम पानी के बीच में है और पानी के बीच से भी काफी अच्छा लग रहा है, काफी बच्चे लोग देख सकते हैं नहा रहे हैं, जो भी छठ व्रत कर रहे हैं वो भी नहा रहे हैं। अरे बुआ मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, ठंडा लग रहा है, ठंडा भी लग रहा है, ठंडा नहीं लग रहा है। फाइनली जिस वक्त का आप सभी को और हमें बेसब्री से इंतजार था वो वक्त आ चुका है। उगते हुए सूर्य को अब अर्घ दिया जा रहा है, हम आप लोगों को दिखा रहे हैं यहाँ पे उगते हुए सूर्य को अर्घ किस तरह से दिया जाएगा, दिखाते हैं आप लोगों को बैक कैमरे से। वीडियो में आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, आपके साथ दीपक बाबू ब्लॉग्स, बने रहिएगा मेरे साथ, आप लोगों को दिखाते हैं उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हुए।
लोगों को पूरा चैती छठ पूजा दिखा दिए, चैती छठ पूजा जो हर एक जगह नहीं होता, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि जहाँ पर चैती छठ पूजा नहीं होता वो लोग भी आसानी से इस वीडियो के माध्यम से चैती छठ पूजा को देख सके। तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिएगा। सो अभी के लिए बाय बाय, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।